आंटी जी, क्या आपको भी बच्चे आंटी जी बोलते हैं? वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप यंग दिख सकते हो, स्टाइलिश दिख सकते हो, कुछ सिंपल सी बातों को फॉलो करके। किसी भी तरीके के प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे आज की वीडियो में। प्रोडक्ट बैन है वरना आप बोलोगे स्किन केयर का प्रोडक्ट लेकर आ गई है कोई सा, और फिर हमें बोलेगी ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। नहीं, मैं कुछ सिंपल सी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं भी फॉलो करती हूँ। सबसे पहली बात, समटाइम्स मेरे भी बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। मतलब मेरे को तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना बालों में कि हर दूसरे दिन मुझे शैम्पू करना पड़ता है। बट क्योंकि मुझे वीडियोस रोज शूट करनी होती है तो मैं रोज तो शैम्पू नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने बालों को कैसे स्टाइलिश दिखाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साइड वाली वीडियो में आप देख ही सकते हो, अभी की वीडियो है ये, और मेरे बाल कितने ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं। जी हाँ, अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा ऑयली लगते हैं या तो आप ड्राई शैम्पू को यूज़ कर सकते हो, बट अगर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, मेरे पास भी नहीं है ड्राई शैम्पू, तो मैं क्या करती हूँ अपने बालों को हल्का सा वॉल्यूम देने के लिए, आप इस तरीके के ना टूल्स को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ ये आप देख सकते हो। इस तरीके के टूल्स आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाते हैं। ये पूफ बनाने के लिए होता है। मैंने सबसे छोटा वाला लिया है, साइड पार्टीशन किया है। इसे इस तरीके से लगा दीजिए बालों में, और जो आपके बाल है ना उसे इसके ऊपर से लीजिए। इससे क्या होगा, ये आपके बालों में एक आर्टिफिशियल वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। आप देख सकते हो इतना ऊँचा है ये, और ये बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं है कि बस किसी ने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और आपका जो पूफ है वो फ्लैट हो गया। नहीं, उल्टा जो आशीर्वाद देगा ना वो ज़रूर टेंशन में आ जाएगा कि इसके बालों में क्या लग रहा है, चुभ रहा है इतना तेज़ तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। वैसे ये चुभने वाला नहीं है, मजाक कर रही हूँ मैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो कितना ड्रामेटिकली इसने मेरे बालों में वॉल्यूम दे दिया है। दूसरी चीज़, अगर आपका फेस मेरी तरह है, बिल्कुल भरा पूरा आलू के पराठे के साइज़ जितना, तो आप कभी भी सेंटर पार्टीशन मत निकालिए, और सेंटर पार्टीशन निकाल के बिल्कुल ऐसे चेपू चेपू गंगाधर वाला हेयर स्टाइल मत कीजिए। देखिए क्या होता है ना, इस तरीके का जो सेंटर पार्टीशन होता है, जब हम बाल बिल्कुल पीछे कर लेते हैं, इससे आपका पूरा फेस नज़र आता है और वो बहुत बड़ा लगता है तो हमेशा अगर आपका फेस है भैया पतला सा, तब तो आप सेंटर पार्टीशन करो, बिल्कुल आगे से चिपका लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपका फेस है बड़ा भरा पूरा सा मेरी तरह, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि साइड पार्टीशन कीजिए, और साइड पार्टीशन के बाद भी अगर अच्छा होगा कि आप इस तरीके से बालों को रखें कि आपका थोड़ा सा फेस वो कवर कर ले। जितना ज़्यादा फेस आपको लगता है फैटी है, तो उतने ज़्यादा आप इस तरीके से बाल निकाल सकते हो ताकि आपके फेस का कुछ एरिया कवर हो जाए और बहुत स्टाइलिश लगे। आप साइड वाली वीडियोस में देख ही सकते हो कि कितना ड्रामेटिक चेंज लगता है सेंटर पार्टीशन के बाद। सीधे जब मैं साइड पार्टीशन निकालती हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लगता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बालों की बात हो रही है, तो अगर आप इस तरीके से, जी हाँ इस तरीके से घर में जूड़ा बना के रखते हो ना, तो सच में आप 20 साल के भी हो गए हो तो कोई आपको 30 साल से कम का नहीं बताएगा। ये बहन जी वाला जो जूड़ा होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे बना लेते हैं हम, वो बहुत ही बेकार लगता है, अंडे जैसा। मैं तो सच बताऊँ ना, बिल्कुल अंडे के जितना बनता है मेरा तो, क्योंकि मेरे बाल वैसे ही बहुत छोटे हैं, रबड़ वबड़ लगा के बिल्कुल अजीब सा लगता है वो। तो उसे आप स्विच कीजिए, इस तरीके से बन बना सकते हो आप। कोई भी मेरा ये बन देख के नहीं बोलेगा कि मेरे बाल इतने से हैं क्योंकि मैंने इसे बनाया ही इस तरीके से। इसे बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो फ्रंट में भी इस तरीके के टूल्स को यूज़ कर सकते हैं और भी अच्छा वॉल्यूम दे सकते हैं, बट मुझे वो उतना ज़्यादा ड्रामेटिक वॉल्यूम पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक हाई पोनीटेल बनाई है और फिर डोनट बन का यूज़ किया है। डोनट बन रखिए और अपने जो भी बाल है ना उससे देखिए आप, मेरा डोनट बन कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आएगा। तो अपने बालों से उस डोनट बन को कवर कर लीजिए, जूड़ा पिन लगा लीजिए, बस। सेम हेयर स्टाइल मैं शादी में भी बना के चली जाती हूँ, जी हाँ। बस हाँ, बढ़िया बढ़िया सी एक्सेसरीज़, फ्लावर्स वगैरह लगा लो, बस आपका हेयर स्टाइल रेडी है। विद इन 1 मिनट ये हेयर स्टाइल बन जाता है और बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। वो हेयर स्टाइल्स बनाने नहीं आते ना, तो हेयर स्टाइल बनाना सीखो मत सीखो, हेयर एक्सेसरीज पे ज़रूर इन्वेस्ट करो, ताकि आपका जो भी देख रहा है ना हेयर स्टाइल, उसका ध्यान इस बात पे ना जाए कि इसने कितना परफेक्शन के साथ बनाया है, इस बात पे जाए कि इसने अपने बालों में क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। इस तरीके के फ्लावर्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये अमेजोन से ईजिली मिल जाते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ये। इस तरीके की हेयर एक्सेसरीज पे आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। आप इस तरीके के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हेयर बैंड्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो,
कितना मस्त लग रहा है, मतलब इसको लगाने के बाद कोई ये नोटिस नहीं करेगा कि मैंने अपने बालों में तेल लगाया है कि नहीं लगाया है। आप चाहे तो इस तरीके की बड़ी बड़ी क्लिप्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आजकल बहुत फैशन में है, इस तरीके की क्लिप्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सही है। हेयर एक्सेसरीज आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए, चाहे वो आर्टिफिशियल गजरे हों, आप यहाँ से गजरा लगा लोगे बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, तो हेयर एक्सेसरीज ज़रूर रखिए। चौथी चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि पोनी टेल अगर आप बनाते हो और यहाँ पर बनाते हो ना, उससे आपके बाल बेकार लगते हैं, उससे आपकी लुक और ज़्यादा बड़ी लगती है। तो जब भी पोनी टेल बनाएं, बिल्कुल हाई पोनी टेल बनाएं, जैसे आप अभी देख रहे हो मैंने यहाँ पे बिल्कुल हाई पोनी टेल बनाई है, और मैंने जब ये जूड़ा बनाया तो उससे पहले पूरी हाई, जितना हाई आप कर सकते हो बिल्कुल यहाँ पे उसे बनाइएगा। आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको आपकी लुक में खुद ब खुद अंतर दिखेगा। तो ये हेयर एक्सेसरीज और ये हेयर केयर टिप आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पहनते हो इस तरीके की चप्पलें आज के ज़माने में भी, तो भाई हाथ जुड़वा लो मुझसे, बिल्कुल अवॉइड करो। हाँ, घर में बाथरूम तक जाने के लिए सही है, ये सब्जी वब्जी लेने जा रहे हो तो भी सही है, बट अगर आप आज भी साड़ियों के नीचे, लहंगों के नीचे इस तरीके की अंगूठे वाली चप्पलें पहन रहे हो ना, तो बिल्कुल अवॉइड करो। बहुत गंदी लगती है ये, जी हाँ बहुत गंदी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इन्हें आप स्विच कर सकते हो इस तरीके की स्टाइलिश बैली से, और पता है बैली का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, समटाइम्स मैंने नेल पेंट रिमूव भी नहीं किया होता ना, आधा अधूरा निकला होता है, तो इसमें वो दिखता भी नहीं है। तो आप इस तरीके की न्यूट्रल कलर की बैली एक अपने पास ज़रूर रखो। देखो क्या होता है, हम समटाइम्स ब्लैक, ब्राउन, ब्लू इस तरीके की चप्पलें ले लेते हैं, बट वो हर ड्रेस के साथ नहीं चलती है। तब आपको ज़रूरत है इस तरीके की एक न्यूड शेड की चप्पल ले लो, और वो आपके हर ड्रेस के साथ चल जाएगी। बट हाँ, इस तरीके की चप्पल प्लीज़ अवॉइड करो। ये यार मैं सच बताऊँ आपको, एक तो ये टूटती नहीं है ये वाली चप्पलें। अगर आपने मेरे गोवा व्लॉग्स देखे होंगे ना, मैं 2-2.5 साल पहले गोवा गई थी, और तब भी मैं ये चप्पल गोवा ले जाने के लिए सोच रही थी, क्योंकि तब भी ये 1.5 साल पुरानी थी, कि ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, कहीं वहाँ टूट गई तो। मतलब ये चप्पल 3.5 साल से घिस रही हूँ मैं बाटा की, पर ये टूटने में नहीं आ रही। तो अब से भैया मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा यार ये वाली चप्पलें तो यूज़ ही नहीं करनी हो। तो आप इस तरीके की स्टाइलिश चप्पलों पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी सी इस तरीके की स्टाइलिश चप्पलों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। चप्पलें तो भैया कितने तरीके की होती हैं। शूज़, जी हाँ, शूज़ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो उसके नीचे शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है एक वाइट और एक ब्लैक कलर के शूज़ आपके पास हमेशा होने चाहिए, थोड़े से स्टाइलिश, बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए भी नहीं, थोड़े से स्टाइलिश होने चाहिए। बट हाँ, 2 शूज़ आपके पास ज़रूर होने चाहिए, एक ब्लैक और एक वाइट, क्योंकि ये बहुत सारी ड्रेसेस पे आपके चल जाएंगे। बिंदी की, भाई देखो बिंदी तो हम लोग लगाते ही हैं, बट हाँ एक रूल मैं जो बिंदी लेते वक्त फॉलो करती हूँ ना, वो ये है कि जैसे ये है मेरा वो बिंदी का पत्ता जो सबसे छोटे साइज़ का मैं लगाती हूँ, ये है 3 नंबर का और ये है 5 नंबर का। इससे बड़े साइज़ की बिंदी मैं नहीं लगाती हूँ, मेरे फेस पे सूट नहीं करती है। देखो क्या है ना, अब मैंने आपको बताया मेरा फेस है आलू के पराठे जितना, अब अगर मैं उसमें कोमोलिका जितनी साइज़ की बिंदी लगा दूँगी, मतलब दही की कटोरी रख दूँगी बीच में, वो कैसी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी ना। क्या अच्छा लगता है आलू के पराठे के साइड में छोटा सा अचार, है ना, उसी तरीके से छोटी सी बिंदी अच्छी लगती है मेरे फेस पे। बहुत बड़ी लगा लूँगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपका फेस बहुत बड़ा है और आप उसमें बहुत बड़ी बिंदी लगाते हो तो आप सोचते हो कि हो सकता है मेरा फेस कवर हो रहा है, अच्छी नहीं लगती है। तो हमेशा एक रूल फॉलो कीजिए, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, 3 नंबर से लेके 5 नंबर के बीच में मैं लगाती हूँ बिंदी। आप भी जो अपनी बिंदी लगाते हो ना, जो आपको लगता है आपके फेस पे सूट करती है, उसका नंबर चेक कीजिए। 1 नंबर आगे 1 नंबर पीछे तक चल सकता है, बट हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 नंबर से सीधे 10 नंबर पे मैं पहुंच गई, नहीं, इतना ज़्यादा बिंदी में डिफरेंस अच्छा नहीं लगता है। बड़े साइज़ की बिंदी आपको बड़ा दिखाती है, तो इसलिए छोटे साइज़ की बिंदी लगा के एक बार ट्राई कीजिए, वो आपको बहुत यंग दिखा सकती है। तो मैं इन्वेस्ट करती हूँ 3 नंबर से लेके 5 नंबर की बिंदी में। और ये बिंदी की अगर मैं बात करूँ, ये 5-5 रुपये की है, और जिनसे मैं लेती हूँ 5 रुपये के 2 पैकेट मुझे दे देते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सस्ती पड़ती है और बहुत सही मिल जाती है। हम लोग शादी में जाते हैं, फुल साड़ी वाड़ी पहन ली, लहंगा वहंगा पहन लिया, और फिर इतना बड़ा बैग हम लोग कैरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो कैरी करना है बच्चे के 2 जोड़ी कपड़े, 4-5 डायपर, पानी की बोतल, दूध की बोतल, सब कुछ लेके जाना ना हमको। तो हम इतना बड़ा फुल साइज़ वाला बैग लेके चलते हैं अपने साथ, जो हमारी साड़ी की, लहंगे की, सबकी शो ख़त्म कर देता है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपना एक सिंपल सा छोटू सा पर्स ले जाएं और बच्चों के सामान के लिए बच्चों वाला बैग ले जाए? जी हाँ, बच्चों के सामान के लिए हमेशा बच्चों वाला बैग कैरी कीजिए। ये दिखने में भी ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं। अगर आपका बच्चा 2-3 साल का है तो वो इसे आराम से कैरी भी कर सकता है अपनी बैग पे, क्योंकि ये टांगने वाले होते हैं और
बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, अगर आप किसी को बोलते हो ना यार मेरे पर्स में से ना मेरे बच्चे की दूध की बोतल निकाल दो, तब हमें टेंशन होती है कहीं वो मेरा फ़ोन तो नहीं निकाल लेगा, कहीं वो मेरे पैसे तो नहीं निकाल लेगा, तो क्यों ना हम बच्चों का सामान बच्चों के बैग में ही डालें। तो इस तरीके के बच्चों के बैग हमेशा अलग रखिए, और अपने जो आपने बैग लेना है ना साड़ी के साथ लहंगे के साथ वो अलग रखिए, उसमें सिर्फ आपका फ़ोन और पैसे ही आ सकते हैं, इनके साइज़ इतने ही होते हैं, बट हाँ ये स्टाइलिश बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप इस तरीके के बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी आप मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही सिंपल सा गोल्डन कलर का बैग ले रखा है मैंने, इसे आप ट्राई कर सकते हो या फिर आप कोई सा भी बैग ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, ये आप देखो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। स्पेस की अगर मैं बात करूँ, इनमें स्पेस तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ इतना ज़रूर होता है कि आपका फ़ोन, आपकी लिपस्टिक, आपका पर्स छोटा वाला वो आ जाएगा। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हो तो आप इस तरीके के गोल्डन पर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बार बार आपको हर ड्रेस के लिए अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप आज भी, जैसे मैं पहले बहुत करती थी, उस टाइम पे इस तरीके के बैग मुझे पता ही नहीं थे कि आते हैं बच्चों के लिए अलग, तो अगर आप भी इतने बड़े बड़े बैग लेके जाते हो ना शादियों में या किसी के भी यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के बैग बच्चों के सामान के अलग बनाइए। आंटी जी, क्या आपको भी बच्चे आंटी जी बोलते हैं? वो बोलते हैं आपका दुपट्टा देख के। आप दुपट्टा कैसे लेते हो मैं आपको बताती हूँ, कई औरतें होती हैं जो ऐसे दुपट्टा लेती हैं। अब बच्चे आंटी जी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, आप खुद सोचो। हमेशा अगर आप काफ़ी लंबे चौड़े वाले दुपट्टे ले रहे हो ना और आपको उसे फैलाए के नहीं लेना है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर दीजिए और इस तरीके से आप ले सकते हो। ये थोड़े से स्टाइलिश भी लगते हैं और वियर्ड भी नहीं लगते। एक बात समझ लीजिए, ये आपका दुपट्टा है, गमछा नहीं है, तौलिया नहीं है कि आपने इसे, हाँ जी बोलो क्या काम करना है। इस तरीके से कभी मत लीजिएगा। तो हमेशा अगर आप दुपट्टा ले रहे हो तो थोड़ा सा फैला के, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में आप ले सकते हो इस तरीके से। बहुत ही अजीब तरीके से मत लीजिएगा, वरना बच्चे आपको नमस्ते आंटी जी ही बोलेंगे। मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, कई औरतों का मैंने देखा है जिनके कान के छेद धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। मेरा भी कान का छेद काफ़ी बड़ा है, एक का, क्योंकि जब दिशा छोटी थी ना उसने मज़े में मेरा कान इस तरीके से खींच दिया था कि ईयरिंग से मेरा कान कट गया था और उसके मजे से मेरी सज़ा हो गई। तो अगर आपके भी कान के छेद बड़े हैं तो हमेशा अवॉइड कीजिए इस तरीके की बालियाँ या फिर इस तरीके के ईयरिंग, जो हम हुक वाले नहीं होते जिसे हम इस तरीके से डालते हैं, उससे क्या होता है, उससे वो छेद और बड़ा होता है और वो पूरा का पूरा छेद विजिबल होता है, जो कि वियर्ड लगता है बड़ा। तब आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके के ईयरिंग्स पहनो जिसका ये पोर्शन ना बड़ा हो और वो आपके पूरे छेद को कवर कर ले। समटाइम्स आपने देखा होगा, मैं भी कई ऐसे ईयरिंग्स पहनती हूँ जिसमें ऊपर से पूरा सर्कल होता है जो मेरा पूरा इस एरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है मेरा वो छेद नज़र नहीं आता है। इस तरीके के ईयरिंग्स में आपका पूरा का पूरा कान का छेद दिखेगा, पूरा दिखेगा कि कहाँ तक आपका छेद बढ़ चुका है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो ईयरिंग्स लेते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और इन टिप्स को फॉलो करके आप यंग भी दिख सकते हो और स्टाइलिश भी दिख सकते हो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट हाँ जब भी लोग मुझे बोलते हैं ना नीमा जी कुछ इस तरीके का टिप्स और ट्रिक्स वाला वीडियो बनाओ, वो हमेशा लंबा ही हो जाता है क्योंकि मुझे बकबक करने की बहुत आदत है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।